अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से पूरा अमेरिका हिल गया है। इस हमले से नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दशा और दिशा भी बदल सकती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये हमला डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में एक संजीवनी बन सकता है, जिससे उनकी व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी तय हो सकती है। हालांकि इस हमले का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप पर हुए इस हमले को लेकर दुनिया भर में ये मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है। और इसी कड़ी में अब टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के ऐलान से खलबली मची हुई है। दरअसल एलन मस्क ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुले तौर पर समर्थन करने का ऐलान किया है, और इसके बाद से ही ट्विटर यानी एक्स पर कई यूजर्स ने उनसे अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि वो खुले तौर पर ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल मस्क ने एक ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वो आयरन मैन स्टाइल में मेटल का एक ऐसा सूट बनाएंगे जिसे गोलियां भी चीर नहीं पाएंगी। और इसको लेकर मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा कि शायद अब समय आ गया है कि उड़ने वाला धातु कवच बनाया जाए। दरअसल मस्क के इस ऐलान से अब ऐसा लग रहा है कि जो आयरन मैन सूट हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे, शायद अब वो सच साबित हो सकता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मस्क ने इस घोषणा के साथ ये भी बताया कि पिछले दिनों उनकी भी हत्या की कोशिश हुई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि आने वाला वक्त खतरनाक है, पिछले 8 महीने में 2 लोगों द्वारा अलग अलग मौकों पर मुझे मारने की कोशिश की गई है। उन लोगों की टेस्ला के हेडक्वार्टर से 20 मिनट की दूरी पर बंदूक के साथ टेक्सास में गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए मस्क ने सुपर पावर वाला आयरन मैन सूट बनाने का ऐलान किया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये आयरन मैन सूट है क्या, और अगर हकीकत में एलन मस्क इसे बना देते हैं तो ये आने वाले वक्त में सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको बता दें कि हॉलीवुड में मार्वल्स की फिल्मों में आयरन मैन एक किरदार है, और ये किरदार टोनी स्टार्क ने निभाया है, जो आयरन मैन फिल्म में मुख्य भूमिका में है। टोनी स्टार्क ने इस फिल्म के अलग अलग सीक्वल में इस मेटल वाले सूट को पहना है, जिसे आयरन मैन सूट के नाम से जाना जाता है। देखने में ये सूट काफी मजबूत दिखता है, और ये सूट दुश्मनों के तमाम वार को बेअसर कर देता है, यानी कि जैसा इसका नाम है फिल्मों में ये सूट बिल्कुल वैसा ही साबित होता है। ये टोनी स्टार्क को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और अब एलन मस्क इसी आयरन मैन सूट को बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे पहनने वाला व्यक्ति हवा में उड़ान भरता है। लेकिन एक बार सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या इस सूट को पहनने वाला इंसान हकीकत में हवा में उड़ान भर पाएगा? क्या आयरन मैन की तरह ही इसे पहनने वाला इस सूट से लेजर लाइट निकाल पाएगा? और अगर ये सूट तैयार होता है तो एलन मस्क इस सूट को सबसे पहले किसे देंगे?